भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने का कारनामा कर दिया है। अपने पहले ही ओलंपिक में हरियाणा के इस रेसलर ने देश के लिए मेडल जीत लिया है। लेकिन अब इनकी जीत के बाद एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इनका वजन भी ब्रॉन्ज मेडल मैच से पहले 4.5 किलो बढ़ गया था। और उससे ज्यादा चमत्कार की ये बात है कि इन्होंने सिर्फ 10 घंटे में अपना वजन 4.5 किलो वजन कम कर लिया है। अगर अमन सहरावत अपने 4.5 किलो के वजन को 10 घंटे में कम ना कर पाते तो विनेश फोगाट की तरह ये भी डिस्क्वालीफाई हो सकते थे। जिस तरीके से विनेश फोगाट का वजन सिर्फ 100 ग्राम अधिक होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, यहाँ तो अमन सहरावत का वजन 4.5 किलो ज्यादा था। तो इस वीडियो में जानेंगे कि अमन सहरावत ने सिर्फ 10 घंटे में 4.5 किलो वजन किस तरीके से कम किया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। भारत के महज 21 साल के पहलवान अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में शुक्रवार को इतिहास रच दिया। अमन ने 57 किलो कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर देश को एक और पदक दिला दिया है। अमन ने इस मुकाबले में पुएर्टो रिको के पहलवान को ब्रॉन्ज मेडल मैच में एक तरफा 13-5 से शिकस्त दे दी है। वैसे अमन की जीत के बाद एक काफी बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमन सहरावत का वजन भी विनेश फोगाट की तरह ही काफी ज्यादा बढ़ गया था। अमन सहरावत जब सेमीफाइनल मैच हारे थे तो उनका वजन 4.5 किलो वजन ऊपर चला गया था, लेकिन इस भारतीय पहलवान और उनके सपोर्ट स्टाफ ने मिलकर के ब्रॉन्ज मेडल मैच से पहले इसको कम कर दिया। जापान के पहलवान से सेमीफाइनल मैच में हारने के बाद जब अमन का वजन तौला गया तो उस समय वो 61.5 किलोग्राम के थे। अमन 57 किलो कैटेगरी में खेलते हैं और ये वजन उनके वर्ग से 4.5 किलो ज्यादा था। इसके बाद भारतीय कोच जागमंदर सिंह और वीरेंद्र दहिया ने कुल 6 सदस्यीय कुश्ती के दल के साथ कर अमन सहरावत का वजन कम करने का मिशन पूरे करने की ठानी। बड़ी बात यह है कि उनके पास सिर्फ 10 घंटे ही बचे थे। इसके बाद सबसे पहले अमन सहरावत को 1.5 घंटे का मैट सेशन कराया गया, जिसमें उन्हें खड़े होकर के रेसलिंग कराई गई। अमन सहरावत को इसके बाद 1 घंटे का हॉट बाथ सेशन दिया गया। रात 12 बजे के बाद अमन सहरावत ने जिम में 1 घंटे ट्रेडमिल रनिंग करी और अमन को आराम करने के लिए सिर्फ 30 मिनट का समय दिया गया और फिर उन्हें हर 5 मिनट के बाद सोना बाद के 5 सेशन दिए गए। इस तरीके से उनका वजन 3.6 किलो कम करा दिया गया। अंत में अमन को मसाज दी गई और इसके बाद इस खिलाड़ी ने हल्की जॉगिंग और 15 मिनट का रनिंग सेशन किया। इतनी मेहनत के बाद सुबह 4:30 बजे अमन का वजन 56.9 किलो का हो गया था, जो कि लिमिट से 100 ग्राम कम था। अमन सहरावत का 10 घंटे में 4.5 किलो वजन कम करना इसलिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। विनेश फोगाट ने 50 किलो वर्ग प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाकर सिल्वर मेडल पक्का कर लिया था, लेकिन फाइनल से पहले वो तय लिमिट से 100 ग्राम ज्यादा पाई गई और नतीजा उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। फिलहाल विनेश फोगाट का मामला CAS में चल रहा है, जिसका फैसला जल्द आ सकता है। वेल गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड अपडेट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।